नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वाति हाजिर हुए हैं फिर एक बार खास खबर के साथ। रीवा जिले में चोरी, लूट, हत्या जैसे जघन्य वारदातों की इन दिनों भरमार हो गई है। एक माह में लगभग आधा दर्जन हत्याएं हो चुकी हैं। पुलिस एक मामले का खुलासा नहीं कर पाती है जब तक दूसरी घटना को अंजाम देकर बदमाश पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। दुकान संचालक की पिटाई, जनपद सीईओ के ऊपर प्राणघात हमला, प्रॉपर्टी डीलर का अपहरण, दूध व्यापारी की हत्या, श्रमिक के ऊपर गोली दागने और कई लूटों का पुलिस पता भी नहीं लगा पाई थी कि एक बार फिर युवक की निर्मम हत्या कर सब फेंक दिया गया है। दरअसल मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है, जहां अभिषेक उर्फ प्रिंस तिवारी, पिता विद्या विनोद तिवारी निवासी सगरा की हत्या की गई है। बताया जाता है कि युवक घर से दूध देने के लिए निकला था, लेकिन लौटकर घर नहीं पहुंचा। सुबह जब तलाश की जा रही थी तब सड़क के किनारे उसका शव बरामद हुआ है। युवक के नाक से खून निकल रहा है, वहीं गले में भी चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल पुलिस सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि रीवा शांति का टापू कहा जाता रहा है, लेकिन इन दिनों जिस तरह से अपराध की बाढ़ आई है उससे लग रहा है कि अपराधियों में पुलिस का एक भी खौफ नहीं है। बीते 24 घंटों में अन्य अपराधों की बात करें तो शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ और वह भी ऐसे आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया है जो इसी मामले में जेल से छूटकर बाहर निकला था। वहीं समान थाना क्षेत्र के सेगर कैंपस में घुसे बदमाशों ने ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर और नकदी चुरा ले गए, जिसकी शिकायत दर्ज कराई गई है। रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के पुरास गांव निवासी दर्शन किशोरी के घर घुसे बदमाशों ने लाखों रुपए कीमती सोने चांदी के जेवर और नकदी चुरा ले गए। तो गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के नकटा निवासी अरुण कुमार अग्निहोत्री के घर को बदमाशों ने निशाना बनाया और सेंध लगाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के तिलखन निवासी धीरेंद्र कुमार सिंह के दुकान का ताला तोड़कर बदमाशों ने कीमती सामान चुराया है। एक तरफ बदमाश जहां घरों को निशाना बना रहे हैं, वहीं पशुपालकों के जानवरों को भी निशाना बनाते हुए लंबे समय से चोरी कर रहे हैं। सिमरिया थाना क्षेत्र निवासी इंद्रकली केवट की लगभग 22 बकरियां बदमाश चोरी कर ले गए, जिनका पुलिस सुराग नहीं लगा पाई है। कुल मिलाकर यह कहें कि जिला इस समय चोर उचक्कों के हवाले है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बीती रात ही मनगवा थाना क्षेत्र के बुडगवा में राम सुशील पटेल के घर चोरी की वारदात हुई है। कहीं आगजनी तो कहीं चोरी अपहरण की घटनाओं से जिले के लोग दहशत में है। सरेराह गोली चला देना, अपहरण, मारपीट की घटनाएं आम हो चुकी हैं, लेकिन ऐसे अपराधों का पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही है। एक बार फिर घर से निकले युवक की हत्या कर लाश सड़क के किनारे फेंकी गई है। देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस उक्त हत्या का खुलासा कर पाती है या फिर अपराधी कोई अन्य घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती देते हैं। उलट के चाही को लाइन उलट चाल पर उलट मार दे उलट चाही जाने लगे कुछ ये कर उलट चाली लाइन ले आ जाओ किनारे पर पैसा ले जाओ घर भी ले आ थाना क्षेत्र में एक हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला? कल करीब 6:30 बजे अभिषेक उर्फ प्रिंस तिवारी बगदरा के रहने वाले हैं, अपने घर से दूध देने के लिए हरियतपुर गए थे। उसके बाद वो अपने घर नहीं पहुँचे, घर वाले उनकी तलाश कर रहे थे। आज उनकी सुबह हरियतपुर बाईपास के रोड के किनारे उनकी बॉडी मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस के सभी अधिकारी और एफएसएल टीम, फॉरेंसिक लैब के लोग, सभी लोग फिंगरप्रिंट वाले पहुँचे और उसके बाद लाश को पीएम के लिए भेज दिया गया है। थाना विश्वविद्यालय में टीआई ने मर्ग कायम कर लिया है और उसकी जांच चल रही है।
अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विराट 24 के साथ। नमस्कार।